नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एसएससी का वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो आपको ये जानकारी मिली गई होगी कि मैं यहाँ पर एसएससी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ। और दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले न्यूज जो दिख रही है उसी पर हम लोग डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं। मैं विरेंद्र, आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। क्या है इस नोटिफिकेशन में, उसको मैं डिटेल करके आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में इस नोटिफिकेशन को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले तो खुश हो जाने के लिए बात है उन लोगों के, जो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की एसआई की वैकेंसीज आएंगी और कब सीएपीएफ की वैकेंसीज आएंगी, कब उसके एग्जामिनेशन होंगे। तो दोस्तों आपको अब इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। बड़ा खुशी का मौका है कि इस लॉकडाउन के अवसर में इस तरीके की वैकेंसीज जब उतर करके सामने हमारे आती हैं तो प्रिपरेशन करने का एक नया जोश, नया जज्बा जो है तैयार हो जाता है। और वैसे भी देश को आपकी बहुत जरूरत है इस समय। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है आपके सामने। मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रहा हूं और डाउनलोड करके यहां पर ये डाउनलोड हो रहा है, ओपन हो रहा है। जब ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं साइज इसका। तो चलिए आपके सामने नोटिस जो है वो ओपन हो चुका है और डिटेल नोटिफिकेशन पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन में आप देखिए, सबसे पहले तो ये नोटिस जो है आपका, ये 17/6/2020 का है। ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ये नोटिस किस एग्जाम से रिलेटेड है अगर इसको देखा जाए तो ये है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन यानी सीएपीएफ। ये वैकेंसीज जो है इनको टारगेट करते हुए एग्जामिनेशन नोटिस आया है 2020 के लिए। दोस्तों ये आपको पूरा का पूरा देख सकते हैं कि यहां पर कैलेंडर लगा हुआ है एक तरीके का, या एग्जाम डेट्स जो है की डेट्स यहां पर रखी हुई है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, जो लोग एसआई और सीएपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी के फॉर्म को ये फिल करेंगे जो लोग, तो उन लोगों को तुरंत सारी डेटों को कैलेंडर कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, जिसमें से 2-3 डेट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर मैं अंडरलाइन कर लेना हूं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये डेट आपको 17/6 यानी आज ही की डेट से 16/7 यानी कि अगले महीने की 16 यानी 16 जुलाई तक आपके फॉर्म ओपन करने का, रजिस्ट्रेशन का करने का डेट यहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपको, अगर हम फी की बात करते हैं, फी की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट डेट और टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान एंड ऑनलाइन की बात कर लेते हैं पहले। ऑनलाइन फी पेमेंट जो है आपका 18/7 यानी 18 जुलाई तक आप भर सकते हैं और ऑफलाइन में इसको 20/7 तक की डेट दी गई है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको मैं सेपरेट यहां पर लिख ले रहा हूं। सबसे पहली बात तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट स्टार्टिंग है वो आपकी आज से ही है। आज ही आप फॉर्म भर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। सबसे बढ़िया बात तो आपकी ये है, ठीक है, नहीं तो कल से तो फॉर्म भर ही दीजिए। और इस फॉर्म की लास्ट डेट आपको रजिस्ट्रेशन के, आप ऐसे मान के चलिए कि 16/7/2020 है, तो कोई 2020 के 16/7 का लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेगा। विद इन 1 or 2 डेज सभी लोग फॉर्म भर दीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है वो यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो आपका होने वाला है, पेपर फर्स्ट आपका होगा 29th of September 2020 को, ठीक है। तो ये तो हो गई पेपर फर्स्ट की डेट। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट भी आपको याद करने लायक है, जो कि पेपर सेकंड का होगा। वो पेपर सेकंड का जो डेट है वो आपका 1 मार्च 2021 ये है। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट डेट्स आपके बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सामने यहां पर दिखाई दे रही है। जबरदस्त तरीके से ये वैकेंसीज है और कितनी वैकेंसीज हैं, चलिए जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, किन किन पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसीज निकली, जरा इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव्स की अगर देखी जाए तो दिल्ली में मेल के लिए अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसीज जो आपकी ओपन हो रही है वो 91 है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अलग अलग, 41 है, 10 है, 13 है, 17 है। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो 91 पोस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। एंड फॉर द फीमेल, फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, ये आपको टोटल 78 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी में अगर देखा जाए, इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो आपको सीआरपीएफ में मिल रही है दैट इज 10,072, बीएसएफ में 244 एंड आईटीबीपी में 43, सीआईएसएफ में 20, एसएसबी 16 एंड ओवरऑल टोटल वैकेंसीज आर 1,395 वैकेंसीज। तो ह्यूज वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, कम नहीं है वैकेंसीज। लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको ये एक ना एक पोस्ट जरूर मिलेगी। तो यहां पर आप रिजर्वेशन वगैरह थोड़ा देख सकते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो रिजर्वेशन से तो नीचे जो है कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी वगैरह दिए, यस, एज लिमिट इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मोस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, दैट इज
20 to 25 years के जो कैंडिडेट्स हैं केवल वो ही इस फॉर्म के लिए अप्रोच कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ। और रिजर्वेशन एज पर जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो यहां पर मिलेगा, यहां पर कैटेगरी यहां पर दी हुई है रिलैक्सेशन के लिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो 20 से 25 साल की एज यहां पर है, बाकी जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये एग्जेम्पशंस वगैरह जो भी हैं वो आप सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हर तरीके के जो रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी जो चीजें थी। ठीक है, अब जरा जल्दी से क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जितनी भी पोस्ट है वो सभी के लिए बैचलर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मोटे मोटे तौर पर आप जो है बैचलर डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए तो आपको ये पोस्ट यहां पर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं? क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों को। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट में जाएंगे, फी जो है आपकी 100 रुपीज है जनरली। और यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए पेबल फीस जो है वो 100 रुपीज है, एंड फॉर विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी कैटेगरीज, एस टी कैटेगरीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस। यानी कि जो महिलाएं हैं और एस सी एस टी कैटेगरी के जो लोग हैं और एक्स सर्विसमैन जो हैं, इनको पेमेंट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी पेमेंट की जो आपकी डेट है, ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट है आपको यहां पर दी हुई है 18/7/2020 से 23:30 तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 18/7/2020 तक। ठीक, ये बात भी आपको पता चल गई। तो अब जरा और देखते हैं नीचे और बढ़ करके, इंपॉर्टेंट चीज और जो है वो क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप अपने हिसाब से जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे कॉलम एग्जामिनेशन सेंटर का दिया हुआ है, हर जगह का अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट सब जगह का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, सब जगह। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये आ जाती है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए यहां पर दो पेपर होंगे, किस तरीके से होंगे? द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको आप PST बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर टू, ये दो हैं, इस तरीके से आपको यहां पर क्वालिफाई करना है। अब जरा पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें अगर देखिए तो सब्जेक्ट आ रहे हैं चार। ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। और ये जो एग्जाम डेट है ये आपकी 29/9 से 5/10/2020 के बीच में है, इसकी डेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो आप 29/9/2020 मान करके चलेंगे। ठीक है, हो सकता है पहले दिन आपका एग्जाम पड़ जाए। उसके अलावा आप देखिए इसमें GS है, इसके अलावा ये रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा GS है, मैथ्स है और फिर इंग्लिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि SSC के दूसरे एग्जाम्स में 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के आते हैं, लेकिन यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 और मार्क्स जो है वो 50 है। यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी। मेंस में जब आप जाएंगे तो यहां पर सिर्फ इंग्लिश का होगा, जबकि आप SSC CGL वगैरह अगर आप देते हैं तो वहां पे मेंस में इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स भी होता है, पर यहां पे मैथ्स नहीं है, यहां पर मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। 200 out of 200 दो भी, जो कि 2 घंटे के लिए है दोनों पेपर। ठीक है, तो जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। तो इस तरीके का पेपर शेड्यूल है, आपको यहां पर पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही यहां पर पता करनी थी कि क्या चीजें आएंगी एग्जाम में, किस प्रकार की चीजें जो हैं वो रहेंगी। इनका सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, आप सिलेबस डाउनलोड करके यहां से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें फिजिकल स्टैंडर्ड जरूर देख लीजिएगा, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करेंगे यहां पर। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहां पर दिए हुए हैं, इस फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहां पर फॉर्म फिल करिएगा। मेल कैंडिडेट है तो हाइट जो है वो 170 चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और अनएक्सपेंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो 80, और एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर देखा जाए चेस्ट जो है वो 80 कह सकते हैं इन सेंटीमीटर्स में मांगा गया है। तो बाकी अन्य लोग भी देख सकते हैं उनकी क्या कैटेगरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशंस भी हैं, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, आईसाइट वगैरह जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको, उसके लिए भी सारे यहाँ पर विजन दिए हुए हैं, सब चीजें दी हुई हैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो फॉर्म अच्छे से भरिएगा। किसी को यहाँ पर किसी फॉर्म में कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे जो है आपको डिटेल बॉक्स दिया हुआ है, जो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधे हमें जो है व्हाट्सएप करिए 8953595687, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, SELECTION सिलेक्शन मेंटर, MENTOR सिलेक्शन मेंटर। या फिर आप मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे VIRADDUBEY। ठीक है, टेलीग्राम में अगर आप ये टाइप करेंगे तो मेरा नाम यहां पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करेंगे। आपको दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपकी तैयारी यहां पर कराऊंगा।
दोस्तों आप लोग यहां पर मेरे साथ अनअकैडमी पे मुझे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी पे मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उसके एक एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को टारगेट करते हुए क्रैश कोर्स की भांति जो है मैं इसको कवर अप कराऊंगा, और इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको विद इन 1 or 2 days इसी चैनल पे या फिर इन नंबर्स पे कांटेक्ट करने से मिल जाएगा कि मैं इसको कैसे कवर कराऊंगा। इसके अलावा सिलेक्शन मेंटर चैनल पे भी हम लोग यहां पर नियमित क्लासेस चला रहे हैं, उन नियमित क्लासेस का लाभ उठा करके आप जो जीएस का इंपॉर्टेंस यहां देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 50 क्वेश्चंस का है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको एसएससी का यहां पर कवर कराने के प्रयास कर रहा हूं मैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ सिलेक्शन मेंटर के साथ। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों के लिए वैकेंसी लकी साबित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से दुआ है, ईश्वर से कामना है कि आप सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, आप लोगों का सिलेक्शन हो, ये सिलेक्शन मेंटर के साथ आप बने रहें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो धन्यवाद, और अन्य मित्रों को भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।